इनके कोर्ट में केस चला हुआ था जिसके 54 कर्मचारियों का जो कोर्ट से ऑर्डर आए हैं उसकी फाइल हमने मंगवा ली है। हाँ बिल्कुल, हादसा हो गया, यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी बैठे हुए थे, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। सोनावर मंत्री जी के कार्यालय में मजदूरों ने धरना दिया हुआ है और आज चौथा दिन है। मंत्री जी इनके बीच में पहुंचे हैं और मजदूरों को आश्वासन भी दिया है। मंत्री जी से बात करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या समाधान किया जाएगा। मंत्री जी क्या इनकी मांगे हैं? इनके कोर्ट में केस चला हुआ था जिसका 54 कर्मचारियों का जो कोर्ट से ऑर्डर आए हैं उसकी फाइल हमने मंगवा ली है, उसको बहुत जल्दी उनको पक्का कर दिया जाएगा। बस इनकी मेन डिमांड यही थी, बाकी जो भी छोटी मोटी बातें इनसे कहा है, सोमवार को चंडीगढ़ एक बार उनको बुलाया, टाइम दिया है, अधिकारियों के साथ बैठ करके जो भी वाजिब डिमांड है उन पर विचार किया जाए। जी, जो आपने इनको आश्वासन दिया क्या उससे आश्वस्त हो गई? हाँ बिल्कुल, आश्वस्त हो गए। यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी बैठे हुए थे, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। मंत्री जी से बात करने के बाद हमने वन मजदूर संघ के जो राज्य प्रधान है उनसे भी बात की है। उनका कहना है कि जिस तरीका से मंत्री जी ने जो इनको आश्वासन दिया वो उस आश्वासन पे पूरी तरीका से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी जो बैठक है वो 29 तारीख को मुख्य वनपाल के साथ चंडीगढ़ में की जाएगी और उसके बाद ही अगला डिसीजन लिया जाएगा। तब तक धरने को छोटा जरूर किया जाएगा लेकिन समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 29 तारीख को क्या इन मजदूरों की समस्या का समाधान हो पाता है या फिर ये धरना लगातार जारी रहता है। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।